तो हेलो गाइस के साथ सब लोग को, और आज के इस नए वीडियो के अंदर आप सभी को स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग सा थीम शेयर करने वाला हूं, और जिसमें आपको वेजेट्स भी मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन के अंदर, और आप देख सकते हो इस तरह कुछ आपको वर्केबल वेजेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको बहुत ही कमाल का यूजर इंटरफेस इस थीम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइज आप मतलब स्टेटस बार भी देखोगे, यहाँ पे फुल्ली मॉडिफाइड स्टेटस बार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बैटरी आइकन वगैरह सब चीज़ थे। इसलिए वीडियो को आगे देखते रहिए, इस तरह का कमाल का वीडियो देखने को मिलने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी कर देना सब्सक्राइब क्योंकि बाद में आपको रियलाइज नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो उसका आइकन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, और थीम का नाम है फ्लैट यूआई। एंड गाइस एक यूनिक सा थीम है, मतलब एक यूनिक सा डिफरेंट सा कंसेप्ट है जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो उसका इंटरफेस कैसा देखने को मिल जाता है, और ये सभी वेजेट्स आप सिंपल से KWZT से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको यदि पता नहीं KWZT क्या होता है तो वीडियो को आगे तेरी मैं आपको बताने वाला हूँ और आप जान सकते हैं। उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन पैनल देखोगे, इस तरह का आपको होली मोडिफाइड नया नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिल जाएगा QS वाला। और यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे मतलब छेड़खानी नहीं किया गया जितना भी जरूरत था। यहाँ पे स्टेटस बार वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे वाईफाई आइकन, बैटरी आइकन, मतलब जो भी चीज़ें था वो यहाँ पे मोडिफाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ अपना सेटिंग्स पैनल की। दोस्तों सेटिंग्स पैनल भी ऑब्वियसली मॉडिफाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस सेटिंग्स पैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा नया नया आइकॉन्स। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पे अपना डायलर की। दोस्तों आप डायलर यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का कुछ आपको नॉर्मल डायलर इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। और गाइज बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ अपना फाइल मैनेजर। और गाइज फाइल मैनेजर भी यहाँ पे फुल्ली मॉडिफाइड आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ सिंपल से फाइल मैनेजर का आइकन से करोगे तो इस तरह का कुछ देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको दिखाता हूँ थीम का आइकन कैसा है, तो यहाँ पे देख सकते हो थीम का आइकन कुछ इसी तरह का देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको पता नहीं थीम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, तो इसके लिए बता दो यहाँ पे जो वेजेट्स आप देख सकते हो इस तरह कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और लॉक स्क्रीन का जो एक्चुअली दो फेसेस आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। एक फेस के अंदर आप सिंपल से चेकआउट कर सकते हो, दूसरे फेस जो वेजेट से है उसको आप यूज कर सकते हो। और ये सभी वेजेट से आपको वॉकेबल देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉक करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में जो लॉक स्क्रीन का वेजेट से काम करता है। और मैं जाता हूँ यहाँ पे डायलर में, तो दोस्तों डायलर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके सब आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं सिंपल से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थीम का साइज कितना है, और थीम का और कोई फीचर्स क्या है। और गाइस यदि आपको कुछ भी बग्स वगैरह दिखता है मेरे को फीडबैक देना जरूर, क्योंकि फीडबैक से ही हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थीम का साइज कितना है, मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर लेके चलता हूँ। उससे पहले गाइस आपको यदि पता है थीम को कैसे डाउनलोड करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आई मोड के थ्रू आप उसको बाइपिंग को बाईपास कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहे, मैं आपको बताता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको दिखाई तो थीम का साइज़ कितना है, और थीम का जो नाम देखो तो फ्लैट यूआई है। यहाँ पे डेवलपर फाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपका डाउनलोड फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा वो थीम, यदि आप डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। तो थीम का साइज़ कुछ 12 MB के आसपास कुछ थीम का साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से थीम को क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्चुअली जो थीम है उसका यूजर इंटरफेस देखने का मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो उसका लॉक स्क्रीन होगा, वेजेट्स वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो वेजेट्स भी आप सिंपल सी आप देख सकते हो, उस थीम इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे सब चीज़ प्रीव्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हो, बट आपको सिंपल से नीचे जाना हो, जो नीचे आपको जो ट्राई आउट बटन दिख रहा है सिंपल से उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्राई आउट बटन में क्लिक करेंगे ये जो थीम है आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाएगा 5 मिनट के लिए। गाइस इसको याद रखो, 5 मिनट के लिए आपके फ़ोन के अंदर ये थीम अप्लाई होगा। बट आपको यदि इसको मतलब इस थीम को आपको पवन के लिए यूज करना है तो आपके सिंपल से इस 5 मिनट का ट्रायल उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं हर वीडियो के अंदर बता देता हूँ कैसे डायलमेंट मतलब पास करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे करना है। तो सिंपल से आपको आईमेट प्रो में जाना होगा। उससे पहले गाइस जो भी बोलते हैं कि भाई हमारे फ़ोन के अंदर 5 मिनट का काम नहीं करता है या फिर रियलमी 2.0 के काम नहीं करता, भाई मैं ये बताना चाहता हूँ आपका जो थीम स्टोर है
आपको ये अपडेट कर लेना होगा। देन अपडेट मतलब क्या है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि डाउनलोड हो रहा है तो कीजिए, नहीं तो फिर आप जैसे रियल में 2.0 के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आपने 8.0 का थीम वर्जन पे जा चुके हैं तो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जो नीचे आपको साइड में डिसेबल दिख रहा है मेरा, क्योंकि मैं अभी नॉर्मल पे हूँ, तो आपको सिंपल से मतलब अनइंस्टॉल ऑप्शन से गए तो वहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है, क्योंकि आप जो ज़्यादा अपग्रेडेशन करोगे थीम के मतलब बीटा वर्जन में, तो आपका जो थीम स्टोर का 5 मिनट्स का ट्रायल काम नहीं करेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। देन मैं इसीलिए तो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना होता है तो दैट्स वाइज मेरे को नॉर्मल वर्जन में ही रहना होता है। तो सिंपल से मैं भी आई मोड प्रो में जाना मतलब है, यहाँ पे सिंपल से जो ऊपर में बटन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, तो सिंपल से उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप टैप दो टैप करोगे देन आपका जो पॉपअप आ चुका है एंड ये जो थीम है आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो चुका है, और इस थीम को आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे को बात ये बोलना थी कि आप ज़्यादा अपडेट वगैरह मत कीजिए, नॉर्मल अपडेट पर रहिए आपका। एंड यदि आपको 2.0 है तो मेरे को बताना यार टेलीग्राम में ज्वाइन करके कि आपका क्या एक्चुअली एरर आ रहा है, और कौन सा स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर मैं समझने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, फिर बग क्या आ रहा है। ठीक है, तो गाइस इतना था वीडियो के अंदर। और एक बात, यदि आपको विजेट से डाउनलोड करना है KWZT का, तो सिंपल से मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में, आपको हेल्प कर दूंगा KWZT कैसे इंस्टॉल करना है, क्या वगैरह है, और स्टॉप लाइक दैट मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही था, मेरे को मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो। कोई भी कमेंट से कोई भी क्वेश्चन से मेरे को बता सकते हो, और इंस्टाग्राम में बात करने के लिए फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।